बढ़ते हैं। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड का मामला है और उसमें क्या अपडेट है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हत्याकांड के खुलासे के लिए 7 टीमों का गठन किया गया था। जानकारी देने वाले के लिए 25,000 का इनाम भी रखा गया है। गंगापार के 13 थाना क्षेत्रों में भेजी गई है टीम और मामले में 12 संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही है। आपको जानकारी दें कि कल ही पूरा मामला जो है प्रकाश में आया था। 16 अप्रैल को भी ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया गया था जहां पर 5 लोगों की हत्या की गई थी और कल एक बार फिर से ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जिसमें एक खबर सामने आई कि 5 लोगों को दिनदहाड़े जो है वो मौत की घात उतार दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर 7 टीमों का गठन किया गया है जो कि आसपास के 12 थानों में पहुंची है जांच करने के लिए और 12 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनसे अभी तक पूछताछ भी हो रही है। और वही प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड के मामले में घटनास्थल पहुंचे सपा का प्रतिनिधि मंडल और आपको जानकारी दें कि जो डेलीगेशन पहुंचा पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। सपा नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो आज जो है वो सपा का डेलीगेशन पहुंचा, परिजनों से मुलाकात की गई, जो शिकायतें थी उनके सामने भी रखी गई हैं। अब खबर ये भी है कि जो रिपोर्ट है वो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने पेश की जाएगी जिसके आधार पर अब आगे जो मांग है या फिर जो भी बातें हैं वो अखिलेश यादव सबके समक्ष रखेंगे। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड के मामले में क्या अपडेट है ये भी हमने आपको बताया, किस तरीके से टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच में अगर हम आपको बताएं तो सपा का एक डेलीगेशन जो है वो परिवार से मुलाकात करने के लिए आज पहुंच गया था, मुलाकात हुई और बातचीत हुई। आगे बढ़कर